और चलिए आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। समाजवादी पार्टी से कपिल सिब्बल जाएंगे राज्यसभा। कपिल सिब्बल पहुंचे नामांकन भरने के लिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि नामांकन की तिथि अभी बाकी है, दूसरा ये दिन है और ऐसे में लगातार नामांकन भरने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। कपिल सिब्बल ने 16 मई को ही इस्तीफा दे दिया। सूत्रों का कहना, सिब्बल के साथ अखिलेश और राम गोपाल यादव मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये रिटर्निंग अधिकारी जो कि पूरी प्रक्रिया को अंजाम देते हुए, लेकिन ये पूरी कागजी कार्रवाई यहाँ पर होते हुए नामांकन की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर चल रही है। समाजवादी पार्टी से कपिल सिब्बल राज्यसभा जाएंगे और कपिल सिब्बल ने सपा से नामांकन दाखिल किया है, राज्यसभा के लिए दाखिल किया ये नामांकन। कपिल सिब्बल ने 16 मई को इस्तीफा दे दिया, सूत्रों का ये कहना, और सिब्बल के साथ अखिलेश और राम गोपाल यादव भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां एक तरफ अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं तो वहीं एक तरफ राम गोपाल यादव भी यहां पर कपिल सिब्बल के पास में मौजूद हैं। रिटर्निंग अधिकारी पूरी कागजी कार्रवाई यहां पर करते हुए क्योंकि अभी दूसरा दिन है और नामांकन प्रक्रिया अभी चलेगी और इसके बाद स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी के बाद जो नाम वापस लेना चाहेंगे वो नाम वापस हो सकते हैं और उसके बाद ये इलेक्शन होंगे। जहाँ एक तरफ अगर राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर अलग अलग जो स्थितियाँ गणित बैठ रहे हैं वो गणित समीकरण बैठाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। 4 सीटें राज्यसभा की राजस्थान से और उन सीटों के लिए जहाँ एक तरफ समीकरण हो रहे हैं वहीं दूसरी तरफ अब ये तस्वीरें आपको कपिल सिब्बल की दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से कपिल सिब्बल जो राज्यसभा जाएंगे और ज्ञानेंद्र शुक्ला यूपी न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र जी, अब समाजवादी पार्टी से कपिल सिब्बल राज्यसभा जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले ही कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर पहुंचे थे और उसके बाद वो विधानसभा पहुंचे जहां पर नॉमिनेशन चल रहा है, वहां पर अपना उन्होंने नामांकन कराया है। और ये 3 लोग जो कि समाजवादी पार्टी के पास जो सीटों की संख्या है उस अलायंस में 125 लोग हैं और 111 खुद समाजवादी पार्टी के पास है। इनके हिसाब से राज्यसभा की एक सीट के लिए सिर्फ 37 वोटों की जरूरत होती है तो 3 सीटें बड़ी आसानी से समाजवादी पार्टी जिता लेगी। इसलिए डिंपल यादव जो अखिलेश यादव की पत्नी है उसके अलावा जावेद अली खान है और तीसरा नाम जरूर चौंकाने वाला रहा है जो जाने माने वकील भी हैं कपिल सिब्बल और कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार रहे हैं। लेकिन अब वो कपिल सिब्बल, चूंकि उनका अभी तक कार्यकाल कांग्रेस के सदस्य के तौर पर था, लेकिन अब कपिल सिब्बल अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद सपा मुख्यालय से होते हुए वो उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है। तो जाहिर सी बात है ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी एक उसके लिए झटका होगा और कपिल सिब्बल का यहाँ पर आना ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने, चूंकि आजम खान की नाराजगी बनी हुई थी अखिलेश यादव से, तो ऐसे में कपिल सिब्बल का नाम ऐसा था जिसे आजम खान चाहते थे कि उनको यहाँ पर मौका दिया जाए क्योंकि तो जो अभी सुप्रीम कोर्ट से आजम खान की रिहाई हुई है उसमें बड़ी भूमिका कपिल सिब्बल ने निभाई है, वही एडवोकेट थे, उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में उनके मामले को वहां पर प्लीट किया था। तो जाहिर सी बात है कि ये यहाँ पर आजम खान और अखिलेश यादव के बीच जो तलखी थी उस तलखी को भी हम घटते हुए देख सकते हैं और उसके अलावा कांग्रेस से ये एक बड़ा सदमा कहा जा सकता है, बड़ा झटका कहा जा सकता है जहां पर उनके बड़े दिग्गज नेता कपिल सिब्बल अब वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है और 3 सीटें चूंकि समाजवादी पार्टी जीत जाएगी तो इसीलिए कपिल सिब्बल की जीत तय मानी जा रही है। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, और क्योंकि जीत तो ये तय मानी जा रही है लेकिन अगर इन समीकरणों की बात करें किस तरह ये समीकरण बैठे और कांग्रेस से नाराज चल रहे थे क्या, इस वजह से ये इस्तीफा हुआ 16 मई के लिए बताया जा रहा है तब इस्तीफा दे दिया? अब बिल्कुल देखिए, अभी तक जो समाजवादी पार्टी में चूंकि जो 3 सदस्य थे रेती रमन सिंह, विशंबर प्रसाद निषाद और सुखराम सिंह यादव, इन 3 लोगों का कार्यकाल 4 जुलाई को खत्म हो रहा था, ये माना जा रहा था कि शायद इनमें से किसी को रिपीट कर दें। लेकिन समाजवादी पार्टी ने चुना कपिल सिब्बल को। कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता के तौर पर जाने जाते थे लेकिन कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश से सिर्फ 2 विधायक हैं तो वो किसी भी सूरत में कोई भी कैंडिडेट जिता नहीं सकते थे। अब कपिल सिब्बल चूंकि वहां से उनका कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर उम्मीदवार के तौर पर उनकी सदस्यता खत्म हो रही थी, अब वो समाजवादी पार्टी के साथ आ गए, उनकी जीत भी तय मानी जा रही है। लेकिन इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के सियासत में ये एक नए समीकरण का भी उदय होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल देखिए ज्ञानेंद्र जी, राजनीति ऐसी चीज है जहां किसी भी वजह से या किसी भी बेवजह या कहीं तो बेवजह कुछ भी यहां पर नहीं होता है। तो कपिल सिब्बल को समाजवादी पार्टी में लेना या अखिलेश यादव ने जो ये नामांकन भरवाया है उसकी क्या वजह रही? अब देखिए कपिल सिब्बल इसमें से चूंकि डिंपल यादव की तो बात हो, अखिलेश यादव की पत्नी है, लेकिन उसके अलावा जो यहाँ पर
जिस तरीके से जो तीन नाम आए हैं विपल यादव के अलावा, यहाँ पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की तरफ से जावेद अली खान का नाम आया और कपिल सिब्बल का। जावेद अली खान खुद रामगोपाल के बड़े करीबी माने जाते हैं नेता, इसलिए उनको माना जा रहा है कि रामगोपाल की वजह से उनको टिकट मिला। लेकिन उसके अलावा जो बाकी उसमें कहा जाए तो कपिल सिब्बल इस वक्त वो समाजवादी पार्टी में, उनका आना, उनकी तरफ से खड़े होना ये निश्चित तौर से एक बड़ा एक कहा जा सकता है डेवलपमेंट है। और ये जो अगर कहा जाए कि आजम खान नाराज हो रहे थे और समाजवादी पार्टी से किनारा कर रहे थे, तो ऐसे में कपिल सिब्बल जो है अब वो आने वाले दिनों में भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, आजम की नाराजगी को भी दूर कर सकते हैं, उसके लिए भी एक सेतु का काम कर सकते हैं। तो ये अखिलेश यादव ने एक बड़ा एक दांव सियासी चला है जहाँ पर कांग्रेस के एक बड़े चेहरे को अपने साथ जोड़कर कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है। जी बिल्कुल। और देखिए ज्ञानेंद्र जी, जैसा आपने भी कहा कि एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए होगा, कांग्रेस पार्टी इसे कैसे देखती है, क्या अब कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन रहेगा? देखिए कपिल सिब्बल चूंकि पैरवी करते रहे, जो 27 महीने सीतापुर जेल से उसके बाद निकलने में कामयाब हुए थे आजम खान, तो कपिल सिब्बल थे उस वक्त भी बड़ी नजदीकियों की बात हुई थी, लेकिन कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया था उनका प्रोफेशन जो है वो पेशा वकालत का है, लिहाजा वो आजम खान के वकील के तौर पर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, सपा के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि कपिल सिब्बल को कांग्रेस में भी एक उनके असंतुष्ट खेमे का एक हिस्सा माना जाता है, इसलिए कपिल सिब्बल का अब इस तरीके से एकाएक समाजवादी पार्टी के कैंप में शामिल हो जाना, ये निश्चित तौर से कांग्रेस के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश में पहले से ही हाशिए पर चल रही है, उसके लिए एक बड़ा झटका होगा। क्योंकि कांग्रेस लगातार रिवाइव के प्लान बनाती है और प्रियंका का भी कार्ड चला था, इस बार माना जा रहा था कि प्रियंका की वजह से कांग्रेस काफी रिवाइव करेगी, लेकिन अब कांग्रेस के लिए जो उनके खुद के जो कई सारे नेता पहले जा चुके हैं और उसकी सिलसिले में अब दिखाई दे रहा है कि कपिल सिब्बल भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो ये कांग्रेस के लिए एक उत्तर प्रदेश से तो बड़ी एक निराशाजनक ही बात सामने आई है, जहां पर कपिल सिब्बल अब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर राजसभा पहुंचने की तैयारी में। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, लेकिन अगर यूपी सीट की बात करें, क्योंकि ये तो आपने सारा समीकरण समझाया कि किस तरह से जो अखिलेश यादव के साथ है समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो राज्यसभा जा रहे हैं, और क्योंकि क्लियर भी स्थिति है तो आराम से ये जो तीन सीटें आप बता रहे हैं राज्यसभा के लिए वो क्लियर हो जाएंगी, यानी कि राज्यसभा से ये तीन लोग जाएंगे, लेकिन कितनी सीटें यूपी में हैं? और दूसरी, अगर पूरी तरीके से देखते हैं, किसी तरह की कोई चुनौती उन सीटों पर नजर आती है? देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, और क्या पूछना चाहते हैं सर, आज आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो गए हैं, क्या कहेंगे, बड़ी प्रतिक्रिया क्या होगी? पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ जो नॉमिनेशन फॉर्म जो मैंने भरा है वो निर्दलीय का भरा है। अच्छा, निर्दलीय का भरा? निर्दलीय का भरा है, इंडिपेंडेंट का भरा है, और मैं आभारी हूँ अखिलेश जी का कि उन्होंने मेरा समर्थन दिया है। एज एन इंडिपेंडेंट आई विल बी गोइंग टू द राज्यसभा स्क्रूटनी एंड एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। आई एम डीपली ग्रेटफुल टू अखिलेश जी। आई ऑल्सो विश टू कन्वे माई ग्रेटिट्यूड टू आजम खान फॉर द सपोर्ट दैट ही हैज गिवन मी, not just now but over several years. I am happy that I will be a member of the Rajya Sabha once the nomination form is cleared and the scrutiny is done, as an independent member. I have always wanted to be an independent voice in this country, and I am glad that Akhilesh ji understands why that is so. I think that we are all constrained by the fact that we are members of political parties and we have to therefore abide by the discipline of those parties, but I think it is important to be an independent voice. Aur main samajhta hu ki jab ek nirdalay ki awaaz uthegi to wo logon ko phir aisa lagega ki kisi party se jude hue nahi hai, lekin samajwadi party ke alawa kisi aur dal se apni madad mangi hai, kisi se mulaqat? Dekhiye hum विपक्ष में रह के हम एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, सभी का गठबंधन, ताकि हम मोदी सरकार का विरोध करें। हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में
कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएं और हम इसका प्रयास करेंगे। मैं खुद इसमें अपना इसका प्रयास करूंगा। मैंने दे दिया है 16 मई को मैंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। 16 मई को मैंने त्याग पत्र दे दिया। क्या 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 आजम खान और अखिलेश जी की अब तक मुलाकात नहीं? अरे भैया आप देखिए, मैं यहाँ आया हूँ, ये सवाल आप हमसे काहे को पूछ रहे हैं? समर्थन सभी ने मुझको दिया है, सारे उत्तर प्रदेश में जो यहाँ दल है उसमें समर्थन मुझे मिला है। देखिए आपको मालूम है कि मेरी राज्यसभा में आवाज उठती थी, तभी भी मैं उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी था, पिछली बार भी उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी था, आपको मालूम है, तभी हम अपनी आवाज उठाते थे और अभी अगले शायद 6 सालों में भी उठाएंगे। सीरियस कांग्रेस लीडर में अब नहीं रहा हूँ। तो कपिल सिब्बल जिन्होंने ये साफ किया कि मैं कांग्रेस लीडर अब नहीं रहा हूं, साथ ही साथ उन्होंने कहा निर्दलीय मैंने पर्चा भरा है और पहले भी हम आपकी आवाज उठाते रहे हैं, आगे भी आपकी आवाज उठाते रहेंगे। कपिल सिब्बल जिन्होंने कहा कि अब अखिलेश यादव क्योंकि उनके साथ मौजूद थे जब ये पर्चा भरा गया, तो उन्होंने कई बातें जो हैं वो कही कि हम जो है मोदी सरकार के खिलाफ गठबंधन कर रहे हैं, उसके लिए विरोध के लिए, मोदी सरकार के विरोध के लिए ये गठबंधन कर रहे हैं। तो आपको बता दें कपिल सिब्बल जिन्होंने पर्चा भर दिया है राज्यसभा के लिए, वो नॉमिनी है क्योंकि नामांकन का आज दूसरा दिन है और लगातार नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। 3 जो लोग हैं जिनके नाम यूपी से समाजवादी पार्टी इस वक्त जो है वहां से नाम गए हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर, ये 3 लोग हैं जिसमें से एक डिंपल यादव भी हैं और अब कपिल सिब्बल जो हैं वो भी राज्यसभा की ओर जा रहे हैं। और इस दौरान जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो मीडिया से उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि आगे भी हम काम करते रहें, पहले भी हमने लगातार काम किए हैं और अब आने वाले 6 साल भी इसी तरह जनता की आवाज़ हम उठाते रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं सीरियसली अब कांग्रेस लीडर नहीं हूँ।